और उसके लिए मैं पहले तो टीम को बहुत बधाई दूंगा हरिंद्र की टीम को, क्योंकि बगैर टीम के कुछ भी संभव नहीं है। टीम स्पिरिट जब होती है तो फिर उसके अच्छे परिणाम आते हैं। कई बार हम बहुत योग्य होते हैं लेकिन टीम स्पिरिट नहीं होती, उसके कारण बिखराव पैदा हो जाता है और हम परिणाम तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन यहाँ पर परिणाम दिख रहा है चारों तरफ में, तो आज मुझे लगा कि पहचानने में मुझे थोड़ा दिक्कत थी जब मैं एंट्री की, मैंने जहाँ स्वागत आप लोगों ने किया, अंदर जिस तरह से विकसित किया है बहुत अच्छा विकसित हुआ है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारी स्थानीय महिलाएं हैं, तो नौजवान यहाँ पर हैं, यहाँ पर काम सीख रहे हैं, तो उसका फ़ायदा निश्चित रूप से राज्य को तो हो ही रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि राज्य के बाहर भी आपके बहुत ही सफल प्रयास आपके हुए हैं। निश्चित रूप से उससे हमारे जो नौजवान हैं वो एक रचनात्मक सोच उनके मन में पैदा होती है और अच्छे काम के प्रति वो एक कहना चाहिए कि उनका सोच परिवर्तित होती है, बहुत अच्छा है। और मैं तो बहुत शुभकामनाएँ करूँगा युवती के लिए, वो भी बड़े सरल और सहज हैं, लंबे समय से हमारा सानिध्य है, हम लोग साथ साथ समय समय पर बैठते हैं, विचार भी करते हैं, और जो कुछ मैं अपनी सोच में भी देखता हूँ तो ऐसे ही लोग जो सोशल हैं, जो सामाजिक हैं, जो सामाजिक कार्य जो लोग कर रहे हैं, तो मेरी भी कोशिश रहती कि जो मैंने अनिल जी जैसे लोगों से सीखा है उसको हम कैसे सरकार के माध्यम से उसको हम कैसे परिणामकारी बना सकते हैं। अब जो जल पर हम लोग काम कर रहे हैं, जंगलों पर जो हम लोग काम कर रहे हैं, और विशेषकर जो ग्रामीण महिलाओं के लिए जो ग्रोथ सेंटर का कॉन्सेप्ट हमारा है, कई चीज़ें बहुत अच्छी, हमारी महिलाएं इतनी क्रिएटिव हैं इनकी कि मैंने एक आईटीएनसी टीम बुलाई और उन्होंने एलईडी लैंप्स बनाने सिखाए और हमारी महिलाओं ने लोकल उसको उसका क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे,